दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, pmkisan.gov.in लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें कुछ बदलाव किया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको OTP के माध्यम से स्टेटस आपका चेक होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा को एंटर करना है, तो चलिए यहाँ पर कैप्चा को एंटर कर देते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है OTP विल बी सेंड योर EKYC रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो EKYC में आपने मोबाइल नंबर लगाया हुआ है रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए OTP सेंड हो गया है। कभी कभी यहाँ पर मोबाइल जैसे ही क्लिक करते हैं गेट OTP पर तो OTP सेंड नहीं होता, तो एक एक दो बार आपको ट्राई करना है। तो यहाँ पर मोबाइल OTP सेंड हो चुका है और यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके पीएम किसान योजना से लिंक मोबाइल नंबर होगा। अब आपको यहाँ पर OTP को दर्ज करना है, तो चलिए यहाँ पर OTP को फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको गेट डाटा वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर खुल करके आ जाती है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, कब आपने रजिस्ट्रेशन किया है, फार्मर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और मोबाइल नंबर कौन सा लगा हुआ है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं डिटेल को तो अपडेट योर डिटेल पर क्लिक करके आप डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस देखने को मिल, एलिजिबिलिटी स्टेटस आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहां पर देखिए लैंड सीडिंग यहां पर यस होना चाहिए, अगर आपका नो है तो आपको अपना सत्यापन कराना होगा, खतौनी का आपको सत्यापन कराना है। इसके बाद EKYC स्टेटस ये आपका यस होना चाहिए, अगर आपकी EKYC नहीं होगी तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक के आधार बैंक सीडिंग आपका स्टेटस यस होना चाहिए, यहाँ पर अगर आपका नो है तो आधार सीडिंग आपको अपने बैंक खाते से करानी होगी। तीनों ही चीज़ें यहाँ पर यस होनी चाहिए और यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी जब आपने लास्ट EKYC की होगी, ठीक है। व्यू अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर आप अकाउंट चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए इनको 15वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, FTU प्रोसीडेड यस लिख करके आ रहा है, 15वीं किस्त का पैसा आ चुका है, कौन से बैंक में आया है, कौन से अकाउंट में आया है, ये पूरी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप पिछली किस्तों का भी भुगतान का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि 14वीं किस्त का चेक करना है तो 14वीं को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से आप सभी किस्तों का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।